महादेव के होते हुए बड़े बड़े चमत्कार भी सहज हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी फूल बन जाते हैं। महादेव वो है जो बिछड़ों को अपनों से मिला देते हैं और परिवार की खुशियां वापस ले आते हैं। तो क्या हुआ जब महादेव की कृपा से एक इच्छाधारी नाग नागिन में एक लड़की को उसके परिवार से मिलाया? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूले। रिंकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बड़ी मन्नतों के बाद मिली थी। रिंकी के माँ बाप महादेव के अनन्य भक्त थे और उनकी कृपा से ही उन्हें कई सालों बाद संतान प्राप्ति हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद रिंकी के पिता की नौकरी मॉरिशियस के एक शिपिंग कंपनी में लग गई। यहाँ उनकी मुलाकात राधा टीना से हुई जो उसी ऑफिस में काम करती थी। धीरे धीरे रिंकी के पिता अपने परिवार को नजरअंदाज करने लगे, अपना ज्यादा समय टीना के साथ बिताने लगे। एक दिन रिंकी के पिता रिंकी को लेकर उसे मॉरिशियस के पारंपरिक मेले में ले गए, पर रास्ते में ही समुद्री तूफान की वार्निंग हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। पर रास्ते में तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई। रिंकी गाड़ी से गिरकर पास के जंगल में जाकर गिरी, जबकि उसके पिता बेहोश हो गए। जब उसके पिता को होश आया तो उसने रिंकी को लापता पाया। उसने अपनी बेटी को खोजने की कोशिश की पर उसे सफलता नहीं मिली। हार कर वो टीना के पास गया और उससे मदद मांगी, पर टीना ने उससे कहा कि रिंकी का खो जाना ही अच्छा है, उससे उनके बीच में बच्चा कभी नहीं आएगा। ये सुनकर रिंकी के पिता बेहद दुखी हुए। उन्हें लगा कि जिस व्यक्ति के लिए वो अपने परिवार का तिरस्कार कर रहे थे वो तो उसके लिए इतना जहर खोल रही थी। उसने मन ही मन भगवान शिव को याद करते हुए कहा कि हे महादेव, मैंने अपने परिवार को दुखी करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे बिल्कुल दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बख्श दो, मुझे बेटी मुझे वापस दे दो। ऐसे रोते रोते वो वापस वही पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। रास्ते में गश्त लगा रही पुलिस से उसका सामना हुआ। पुलिस ने उसे घर वापस जाने को कहा, पर रिंकी के पिता ने उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया। तब पुलिस ने दो अफसर उसके साथ गए और सब मिलकर रिंकी को ढूंढने लगे। जब सब हार मान चुके थे तो रिंकी के पिता ने एक बार फिर भगवान शिव से अरदास की। तभी पुलिस वाले ने सबका ध्यान एक पत्थर की तरफ खींच लिया जहां से रोशनी आ रही थी। उन्होंने रोशनी का पीछा किया तो उन्हें जो दिखाई दिया उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दो लोग, एक आदमी और एक औरत, रिंकी के घावों पर मलहम लगा रहे थे। मरहम लगते ही घाव अपने आप गायब हो गए। फिर रिंकी को छोड़कर वो दोनों अलग हो जाते हैं। उनके दूर जाते जाते रोशनी कम होने लगती है और अचानक से दोनों लोग नाग नागिन में बदल जाते हैं। ये देखकर रिंकी के पिता और पुलिस हक्के बक्के रह गए। वो रिंकी को अपने साथ ले जाते हैं। रिंकी जब उठती है तो वो बताती है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं, पर उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रही थी और जैसे किसी ने उस पर बहुत सा अमृत छिड़क दिया हो। उससे पहले वो बहुत दर्द में थी, पर मरहम लगते ही उसका दर्द गायब हो गया। रिंकी के पिता ने देखा कि जहां उसे मरहम लगाया गया था वहां महादेव की छाप पड़ी हुई है। वो समझ गया कि स्वयं महादेव ने इच्छाधारी नाग नागिन का रूप लेकर उनकी सहायता की थी। सबने महादेव को याद किया और मन ही मन में उनका जय घोष किया। रिंकी के पिता ने निश्चय किया कि वो अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रहेंगे और महादेव के बताए मार्ग से कभी नहीं भटकेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? महादेव से जुड़ी ऐसी रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय महादेव।